शिवांगी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शादी सीजन आ गया है और इतनी सारी शादियां हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई भी कुंवारा नहीं बचने वाला इस बार। और शादियों के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, सबसे बड़ी टेंशन जो साथ लेके आती है शादियां, वो ये कि क्या पहन के जाए, समझ ही नहीं आता। सो आई थॉट दिस इज द राइट टाइम टू मेक सच वीडियो। So instead of buying a new lehenga, a new outfit this wedding season, आप अपने पुराने लहंगे को रीस्टाइल कर सकते हैं, एक नया फ्रेश लुक दे सकते हैं और आप उसको काफी सारे फंक्शन पहन सकते हैं, जैसे कि एंगेजमेंट हो गई, मेहंदी हो गई, संगीत हो गई, क्योंकि आजकल हर फंक्शन बहुत बड़े लेवल पे सेलिब्रेट होता है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना रीस्टाइल माय सिस्टर्स लहंगा इन थ्री डिफरेंट वेज। बहुत ही प्यारा पाउडर पिंक लहंगा है, थ्रेडवर्क हुआ हुआ है पूरे लहंगे पे, बहुत सुंदर लहंगा है और अब ये मेरा है। ट्रस्ट मी, अपनी बहन के कपड़े चुरा के पहनने में जो मजा है ना, वो अपने कपड़े पहनने में भी नहीं है। सो या आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो, लेट्स स्टार्ट द स्टाइलिंग प्रोसेस। फर्स्ट लुक में मैंने लहंगे को रीस्टाइल किया एक सिंपल प्लेन ब्लाउज के साथ। इस तरीके का मैंने पिंक कलर का वन शोल्डर ब्लाउज स्टिच करवाया। मैंने प्लेन फैब्रिक इसलिए चूज किया क्योंकि जो लहंगा है वो पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है, पूरा भरा हुआ लहंगा है, तो प्लेन ब्लाउज के साथ ना वो सटल हो जाएगा, टोन डाउन हो जाएगा, हमारा लुक उतना हैवी नहीं लगेगा और हम आसानी से उसको वेडिंग गेस्ट की तरह रिलेटिव की शादी में पहन सकते हैं, फ्रेंड की शादी में पहन सकते हैं। ये फैब्रिक मुझे 100 रुपए का पड़ा और इसकी स्टिचिंग जो गई है वो 1000 रुपीज, जस्ट 10 टाइम्स। So getting an outfit stitch or even a blouse stitch is quite expensive. इस तरीके का सेम कलर का मुझे कहीं ऑनलाइन मिल ही रहा था, इसलिए मैंने इसको स्टिच करवाया। अब मैं आपको तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी। अगर आप इस तरीके का वन शोल्डर ब्लाउज स्टिच करवा रहे हैं तो आप उन बातों को जरूर अपने दिमाग में रखें। पहली बात तो मैंने जो इसकी स्लीव है वो राइट साइड पे क्यों ली है, क्योंकि जो राइट शोल्डर होता है, मतलब राइट हैंड जो होता है, वो थोड़ा हैवी होता है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट हैंड। अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो जरूर नोटिस करना, मतलब ज्यादा फर्क नहीं होता, 19-20 का होता है, पर होता है। इनफैक्ट मेरा तो है और मेरे घर में काफी लेडीज का है, क्योंकि इससे हम काम करते हैं तो थोड़ा सा हैवी रहता है ये, इसलिए मैंने स्लीव जो है राइट साइड पे ली है। और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब हम पार्टी में खाना खाते हैं या हमें कोई ड्रिंक लेनी है तो हम अपना राइट हैंड चलाएंगे, क्योंकि हम राइट हैंड से काम करते हैं तो राइट हैंड चलाएंगे। तो क्या होगा, ब्लाउज जैसे इस तरफ कोई स्लीव नहीं है तो हो सकता है कि ये मसल्स चलें और हमारा ब्लाउज ऊपर नीचे हो जाए और फिर हम शादी में उसको ऊपर की तरफ खिसकाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए टू बी कंफर्टेबल एंड नॉट फील कॉन्शियस, इसलिए मैंने इसको स्लीव को राइट हैंड पे रखा है, क्योंकि ये हाथ हमारा ऐसे रहेगा और इसको अगर हम चलाएंगे भी तो इस पर स्लीव है तो दिक्कत नहीं है कोई भी। और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि जब मेरा ब्लाउज स्टिच कर हो गया तब मैंने देखा कि इसमें ना ऐसी लाइंस आ रही हैं, आपको दिख रही है इस तरीके की लाइंस है दोनों तरफ, क्योंकि ये इसमें कफ्स लगाए गए हैं। मैं बुटीक पे गई, मैंने टेलर से पूछा कि इसमें ना क्लीन लुक मुझे चाहिए और ये मुझे लाइंस नहीं चाहिए, अच्छी नहीं लग रही, पर उन्होंने बोला कि इस तरीके की लाइंस तो आएंगी ही क्योंकि कफ्स हमने स्टिच करे हैं, अदरवाइज कफ्स कैसे रुकेंगे। जो एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े होते हैं या फिर डार्क कलर के कपड़े होते हैं उसमें स्टिचिंग नहीं दिखती है, पर ये जो लाइट कलर का कपड़ा है, प्लेन है, तो इसमें ज्यादा विजिबल है स्टिचिंग, मतलब इस तरीके से जो लाइंस आ रही है वो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो ये बात अपने टेलर से जरूर आप पता कर लेना। मेरा ब्लाउज स्टिच हो गया था तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी, बट आई थिंक वी कैन मैनेज। इस पर अगर आप ऐसे करके दुपट्टा ले लेंगे तो ये लाइन्स उतनी ज्यादा विजिबल नहीं होगी। ओके, तो मैं ये ब्लाउज पहन के आपको पूरा लुक दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो आउटफिट मैंने पहन लिया, दिस इज हाउ इट लुक्स, आई एम लविंग द वे इट इज टर्निंग आउट, द मेकअप इज ऑल डन। सो आई एम गोना शो यू कपल ऑफ ज्वेलरी ऑप्शंस कि आप कैसी ज्वेलरी पहन सकते हैं। आप इस तरीके का पर्ल चोकर नेकलेस पहन सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है, पर्ल्स आजकल फैशन में भी है। Just, I'll just show you, look at this, how stunning is this. या फिर आप इस तरीके के बड़े इयररिंग्स के साथ आप इस तरीके का मांगटी का लगा सकते हैं, काफी हैवी लगेगा इस तरीके, बिल्कुल दुल्हन की बहन जैसा। बट आई एम गोना कीप माय लुक सिंपल बिकॉज हियर आई एम क्रिएटिंग अ वेडिंग गेस्ट लुक। तो मैं सिर्फ ये छोटे छोटे पिंक कलर की झुमकी पहनूंगी, बहुत ही प्यारी लग रही है, आई विल जस्ट वेयर इट। अब चेहरा तो काफी चमक रहा है और आउटफिट भी काफी चमकदार है, पर ये जो स्किन है थोड़ी डल लग रही है। सेलिब्रिटीज जो है वो हाई एंड बॉडी शिमर्स यूज करते हैं, हुडा ब्यूटी एंड वॉट नॉट, पर हम बनाएंगे अपना जुगाड़ से देसी बॉडी शिमर। तो हम यूज करेंगे कोई भी लोशन, आपके पास कोई भी बॉडी लोशन है आप वो यूज कर सकते हैं, आई एम यूजिंग द निविया वन, कोई भी चलेगा। और उसके अंदर हम मिक्स करेंगे
हाइलाइटर. आपके पास लिक्विड हाइलाइटर है तो और भी बढ़िया है, पर मेरे पास यही है तो मैं उसको यूज करूंगी. सो आई एम गोना मिक्स दीस टू एंड अप्लाई ऑन माय स्किन एंड यू विल सी कि इंस्टेंटली एक शिमर ऐड हो जाएगा, चमक जाएगी स्किन. आपको ज्यादा बॉडी लोशन लेना है और उसमें थोड़ा सा हाइलाइटर मिक्स करना है. यहाँ पे कम लग रहा है पर मैंने बाद में और भी बॉडी लोशन ऐड किया था. और इसको अच्छे से मिक्स करके इस कॉन्कॉक्शन को आपको अपने एक्सपोज्ड एरिया पे लगाना है. अगर आपने कोई डीप नेक का ब्लाउज पहना है तो आप नेक पे लगा सकते हैं, हैंड्स पे लगा सकते हैं. अगर आपने शॉर्ट ड्रेस पहनी है तो अपने लेग्स पे भी लगा सकते हैं. और इंस्टेंटली ना आपकी जो स्किन है वो ग्लोई लगने लगेगी, बहुत हेल्दी लगने लगेगी. और रात की पार्टीज़ में तो गज़ब लगती है स्किन, क्योंकि जो रात में लाइट्स होती है ना पार्टीज़ में, उससे आपकी स्किन चमकेगी, शाइन करेगी एंड इट लुक्स ट्रूली ऑसम. मैं थोड़ा एक्स्ट्रा हाइलाइटर लगाऊंगी अपने कॉलर बोन्स पे और अपने शोल्डर्स पे भी फॉर दैट एक्स्ट्रा ग्लो. और लो बन गया सुपर से भी ऊपर वाला लुक, बहुत ही प्यारा और एलिगेंट लुक है. बस एक चीज़ तो मुझे नहीं अच्छी लग रही इस लुक में, वो जो लाइन्स है ना ब्लाउज पे वो बिल्कुल भी अच्छी लग रही है. मैंने ये गलती करी है तो आप मत करना, आप अपने टेलर से ज़रूर इस बारे में पता कर लेना. आई एम श्योर कोई ना कोई तरीका तो हो गई. सेकेंड लुक आई वोर अ पिंक सैटन शर्ट विद द लहंगा. थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स लुक है और जब हम शादी में जाते हैं ना तो इस लुक के बारे में सोचते ही नहीं है. बट आई थिंक इट्स टोटली वेयरेबल, परफेक्ट फॉर संगीत सेरेमनी, क्योंकि दुपट्टा संभालने का कोई झंझट नहीं है. आप इसको चोकर के साथ पहन सकते हैं या फिर लॉन्ग नेकलेस के साथ पहन सकते हैं, जो भी आप पे सूट करता हो. ये लॉन्ग नेकलेस मेरे हस्बैंड का है, ही वोर इट ऑन द वेडिंग डे एंड नाउ आई एम वेयरिंग इट विद माई एथनिक आउटफिट्स. वाइट शर्ट को पहना है लहंगे के साथ बिकॉज वाइट गोज विद ऑलमोस्ट एवरी कलर. और ये शर्ट एम्बेलिश्ड भी है, सितारे लगे हुए हैं तो सोने पे सुहागा हो गया. लहंगे के साथ बहुत अच्छी लग रही है. वीडियो में ये लुक उतना अच्छा नहीं आया क्योंकि उस टाइम लाइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं थी, शाम का टाइम हो रहा था. और इन पर्सन ये लुक बहुत ही प्यारा और एलिगेंट लग रहा था. आई कैन टोटली वेयर दिस टू अ पार्टी. और मैंने वही पिंक इयररिंग्स रिपीट करे हैं जो फर्स्ट लुक में मैंने पहने थे. ये जो शर्ट है काफ़ी फिटेड है, इसलिए जो सेकंड वाला लुक है उससे ये लुक काफ़ी डिफरेंट लग रहा है. और ये लुक ना उन शादियों के लिए परफेक्ट है जहाँ पे थोड़ा अच्छा तो लगना होता है लेकिन बस जो मोटिव होता है वो खाना खाना होता है, वो दूर के रिश्तेदारों की शादियाँ. आई थिंक उसके लिए ये लुक बिल्कुल परफेक्ट है. वीडियो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करके बताना कि कौन सा लुक आपको सबसे अच्छा लगा. मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में. टिल देन, लव टू यू, बाय.